साइनसाइटिस बेसिकली साइनस के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं और इसके बहुत से कॉज होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड में भी वायरल साइनसाइटिस हो जाती है, कभी कभी एलर्जी में भी एलर्जिक राइनोसाइनसाइटिस हो जाती है, बैक्टीरियल राइनोसाइनसाइटिस हो जाती है, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है जिसकी वजह से साइनसाइटिस हो जाती है। तो साइनसाइटिस को का ट्रीटमेंट जो है उसके कॉज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर साइनसाइटिस वायरल है तो जनरली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए, आप जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए जिससे कि हम साइनसाइटिस को ट्रीट कर सकें। अगर बैक्टीरियल राइनोसाइनसाइटिस है तो हम जनरली एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स थोड़ा सा लॉन्ग टर्म दिया जाता है जिससे कि साइनसाइटिस को हम कंप्लीट ट्रीट कर सकें। एलर्जिक राइनोसाइनसाइटिस में हम इनिशियली एंटीबायोटिक्स और एंटीस्टामिनिक्स का यूज़ करते हैं जिससे कि साइनसाइटिस को हम प्रॉपरली ट्रीट कर सकें। फंगल राइनोसाइनसाइटिस दो टाइप की होती है, एक एलर्जिक फंगल राइनोसाइनसाइटिस होती है और एक इन्वेसिव राइनोसाइनसाइटिस होती है। जो एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस होती है उसमें हम जनरली ऑपरेशंस के थ्रू फंगस को हटाते हैं, और इन्वेसिव फंगल राइनोसाइनसाइटिस जनरली उन पेशेंट्स को होती है जिनका कि बॉडी का रेजिस्टेंस कम होता है। इसमें हमें एम्फोटेरिसिन चलानी पड़ती है और उसके बाद हमें ये इस फंगस को सर्जिकली जो है डिब्राइड करना पड़ता है साइनसिस से। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।